पूरे देश भर में उन्नत सड़कों का जाल बिछ रहा है और झारखंड भी इसमें पीछे नहीं है। आपको बता दूं कि एक तो ये चमचमाती सड़क और ऊपर से झारखंड की छटा, झारखंड की कुदरती छटा जो यहाँ खूबसूरती बिखेर रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में इसकी तस्वीर को साझा किया है, जिसमें उन्होंने इसे स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया और कहा कि यही वो सड़क है जो कोलकाता और दिल्ली को जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि उन्होंने इसे बदलता भारत का नाम दिया। ये 80 किलोमीटर की NH की जो रोड है, आपको बता दें कि जितनी खूबसूरत ये रोड यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो आश्चर्य करने वाली बात है, इस रोड का जो उद्गम स्थल है वो रोड अब भी मेंटेनेंस को तलाश रहा है। जी हाँ, वो रोड अभी भी काफ़ी बुरी तरीके से टूटी फूटी है और यही वजह है कि आज वहाँ पर इसे ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। जितनी खूबसूरत ये यहाँ पर लग रही है, ये फॉरेन के रोड को भी टक्कर देने वाली खूबसूरती यहाँ देखने को मिल रही है। सड़कें इतनी खूबसूरत और ये आप मेरे पीछे में ये सौंदर्य देख सकते हैं, पहाड़ है यहाँ पीछे, झारखंड की खूबसूरती देखने को मिल रही है। लेकिन उद्गम स्थल ऐसा स्थान बन गया है जो अब ब्लैक स्पॉट के नाम से जाना जा रहा है। आइए हम आपको वहाँ ले चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सड़क है यहाँ पर, जो इतनी चौड़ी सड़क है, कैसे वहाँ पहुँच कर एक लेन में तब्दील हो जा रही है। और साथ ही साथ हम लोगों से बात करके जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर उद्गम स्थल पर सड़क के किनारे इतनी ट्रकें लगी रहती हैं और क्या वजह है कि ब्लैक स्पॉट वो एरिया हो गया है जहाँ एक तरफ ये तस्वीरें शेयर और साझा की जा रही है तो दूसरी तरफ इसकी ज़मीनी हकीकत क्या कुछ है। हाल ही में नितिन गडकरी ने ट्वीट करके NH2 के बारे में, बरवड्डा से लेकर किसान चौक से लेकर जो बगोदर के आगे तक गई है 80 किलोमीटर की इस NH का तस्वीर को खींचकर उन्होंने लिखा कि यह है बदलता भारत। लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि किसान चौक की स्थिति हम देख सकते हैं किस प्रकार से रोड ख़राब है और वन लेन में वो तब्दील भी हो गया है, ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन आधे में रुका हुआ। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जितने भी व्यवसायी गण हैं और नागरिक गण हैं उन्हें काफ़ी असुविधा हो रही है। उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कि 80 किलोमीटर पूरा चकाचक रोड है, लेकिन आप धरातल पे जो स्थिति है देख सकते हैं, ये सिंगल लेन बन गया है। और इसका क्यों निर्माण नहीं हो पा रहा है, ओवरब्रिज अधूरा है, उसका सुनते हैं कि जो ठेकेदार था भाग गया है, इसे अविलंब कंप्लीट कराया जाए। आए दिन यहाँ दुर्घटना होते रहती है, ब्लैक स्पॉट कहा गया। हाँ, ब्लैक स्पॉट हर एक महीना दो महीना पे एक्सीडेंट होता है, इसलिए होता है क्या है कि वो सिंगल लेन है, बड़ी बड़ी ट्रकें कंटेनर ये सब यहाँ से जाते हैं, जाम की स्थिति भी बन जाती है। अगर आप शाम को आएंगे तो यहाँ बाइक से चलना भी मुश्किल हो जाता है और चार चक्का और बड़े गाड़ियों की को तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये जो एक किलोमीटर का रेंज है किसान चौक से आगे तक का, इसका निर्माण अविलंब हो ताकि यहाँ के लोगों को असुविधा ना हो और जो एक्सीडेंट हो रहा है उससे यहाँ के लोगों को निजात मिल सके। इसमें कहेंगे एक ये प्रशासन जो हमारा इस पर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उनका कंप्लेंट जाता है, पर डे वहाँ एक्सीडेंट जो आपका विजय सिंह पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक्सीडेंट पर दिन आपका होता रहता है। वहाँ पर किसान चौक के पास जो यहाँ से वहाँ तक जो सिंगल लेन है, वहाँ पर सुबह जब मॉर्निंग के टाइम में देखेगा बहुत सारे मजदूर लोग अपने मोटरसाइकिल वगैरह से जाते हैं, तो जो कॉर्नर हमारा जो होता है, जो मोड़ होता है, उस जगह पे किनारे में गाड़ी खड़ी रहती है, जिसके वजह से उधर से आने वाली गाड़ी दिख नहीं पाती है, जिसके वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट वहाँ पर होता रहता है। इसे प्रशासन को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई जब रोड के किनारे जो गाड़ी खड़ी है, स्कूल है, पेट्रोल पंप है और बहुत सारे लोग जो ग्रामीण रोड से जुड़े हुए रोड है उसमें बहुत सारे मजदूर लोग आना जाना करते हैं, तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो किनारे में गाड़ी खड़ी है उसको वहाँ से हटाने का काम करें, वहाँ पर गाड़ी खड़ी होने नहीं दें। बदल तो रहा है लेकिन फिर भी काम करना तो जरूरी है ही, क्योंकि रोड पर चलने से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। रोड पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, आने जाने में जो है, एक तो सिंगल रोड हो गया है, दोनों 1.5 किलोमीटर का रोड ऐसा सिंगल हो गया जिससे एक्सीडेंटें बहुत ज़्यादा हो रही है और उससे किसी तरह जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए तो कम से कम सरकार को ये होना चाहिए कि रोड बन जाए। तो जी हाँ, आपको हमने पहले दिखाया कि NH 32 का वो क्षेत्र जो कि पूरे देश में क्षितिज बना हुआ है, लेकिन उसके उद्गम स्थल के बारे में जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उन लोगों ने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से उद्गम स्थल अभी भी टूटा फूटा है, जहाँ ये 4 लेन 6 लेन सड़क है वो आगे उद्गम स्थल पर पहुँच कर 1 लेन में तब्दील हो जाती है। वहाँ भी एक फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन को करीब कई वर्षों से आधे अधूरे कार्य करके छोड़ा हुआ, जिसके वजह से आवागमन उस रास्ते में बाधित है और यही वजह है सड़कों के किनारे इतनी ट्रैक्टर ट्रेलर भी लगी हुई है, जिसके वजह से आए दिन वहां पर एक्सीडेंट हुआ करती है और उस पूरे क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट बनाया गया है।
अब सवाल ये उठता है कि जहां एक ओर केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उस नेशनल हाईवे की तस्वीर को पूरे देश भर में साझा किया जा रहा है ये कहकर कि ये बदलता भारत है, वहीं उसके उद्गम स्थल की स्थिति ऐसी है जहां पर लोगों को आने जाने में भी डर लगता है। जी हां, रात के समय में इस क्षेत्र में लोगों को आने जाने में ये ज़रूर एक बार संदेह और शंका होती है कि ये ब्लैक स्पॉट एरिया और यहां कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि इस क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाए और वर्षों से जो ब्रिज अधूरा पड़ा है उसे पूरी तरीके से कम्प्लीट किया जाए और साथ ही साथ जो आसपास में सड़कों के दोनों किनारों पर अनगिनत संख्या में गाड़ियां लगी हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। अब देखते हैं कि कब NH 32 का ये उद्गम स्थल भी बिल्कुल अपने NH 32 के जैसे पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, अपनी खूबसूरती को लेकर ये स्थान भी खूबसूरती को लेकर चर्चा में आता है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शाम्भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।